हाँ तो आज हम लोग देखेंगे सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आज हम सीरीज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, इसके बाद इसका ट्रिक्स भी देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग इसका एलसीएम लेकर बनाना संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या देखेंगे, पहले इसको फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 × 2, फिर इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 3, इसका फैक्टर हो जाएगा 3 × 4, और इसका फैक्टर हो जाएगा 4 × 5, और 5 × 6, 6 × 7, और 7 × 8, ठीक है, 7 × 8। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, अगर इसको बनाना है तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 1/2 होना चाहिए, अर्थात 1 − 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, फिर प्लस 1/2 − 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 मिलेगा। उसी तरह 1/3 − 1/4, और 1/4 − 1/5, और 1/5 − 1/6, और 1/6 − 1/7, और 1/7 − 1/8, ठीक है। और इस तरह से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस और माइनस प्लस, ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बच जाएगा 1 − 1/8, 1 − 1/8। अब इसको करेंगे तो 8 × 8, और 8 × 6 = कितना हो जाएगा, 7/8, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 − 1/8 7/8, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब ये थोड़ा सा लंबा आंसर हो जाएगा, जो कोई खास लंबा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसको लोग ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक होगा नंबर ऑफ टर्म अपॉन फर्स्ट फैक्टर इंटू लास्ट फैक्टर, अर्थात नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ऊपर हो जाएगा 7/8। पहला क्या है फैक्टर, 1, अंतिम फैक्टर क्या है, 8, तो 1 × 8 बराबर क्या हो जाएगा, 7/8, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, इसमें इस ट्रिक के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, और ये है कि इसमें जो है इन दोनों के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 और 2 के बीच का अंतर 1 है, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है, तो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। अगर बीच का अंतर 2 है तो हमेशा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर बीच का अंतर 3 है तो हमेशा क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि अंतर जो होना चाहिए इसका, वो क्या होना चाहिए, प्रत्येक जगह सेम होना चाहिए। जब तक ये अंतर प्रत्येक जगह सेम नहीं होगा, तब तक क्या होगा, ये ट्रिक्स अप्लाई नहीं होगा, और ये ट्रिक्स तभी अप्लाई होगा जब क्या होगा, पूरा अंतर सेम होगा, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3.5 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11 और प्लस 1/11 × 13 और प्लस 1/13 × 15, ठीक है। ये सीजीएल 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, बस ठीक वही अप्लाई कर रहे हैं, ये क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में फैक्टर, ठीक है। अगर बेसिक से करना चाहें तो वही करेंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 और 2 5, अर्थात इसके बीच का अंतर कितना है, 2 है, इसका मतलब ऊपर भी 2 आना चाहिए। तो ऊपर 2 आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में हम लोग 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 जो है मल्टीप्लाई होकर, ये 2 मल्टीप्लाई होकर सभी जगह चला जाएगा, अर्थात ये बन जाएगा 2/3 × 5 प्लस 2/5 × 7, और ये हो जाएगा 1/2, और फिर प्लस हो जाएगा 2/7 × 9, फिर 2/9 × 11 प्लस 2/11 × 13 प्लस 2/13 × 15। अब इसको फैक्टर कर सकते हैं, 1/2 इधर रहेगा, और इसको फैक्टर कर सकते हैं 1/3 − 1/5
प्लस वन बाई फाइव माइनस वन बाई सेवन और वन बाई सेवन माइनस वन बाई नाइन और वन बाई नाइन माइनस वन बाई इलेवन प्लस वन बाई इलेवन माइनस वन बाई थर्टीन प्लस वन बाई थर्टीन माइनस वन बाई फिफ्टीन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस सभी को कट कर देंगे, ये क्या बचेगा, वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री माइनस वन बाई फिफ्टीन। अब इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन बाई टू करेंगे तो हम हो जाएगा वन बाई टू और फिफ्टीन और थ्री का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, पंद्रह और तीन पच्चीस पंद्रह, ये पाँच हो जाएगा और पंद्रह एवं पंद्रह किससे हो जाएगा, अर्थात एक बटा में दो और पाँच में सीख जाएगा चार बटा में पंद्रह और दो दूनी की कितना हो जाएगा चार, अर्थात दो बटा में पंद्रह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा दो बटा में पंद्रह हो जाएगा। ठीक है, इसका ट्रिक ये भी है, इसका एक और ट्रिक बन सकता है, जैसे इसका भी देखिए तो हर जगह जो है प्रत्येक जगह अंतर दो का है, हर प्रत्येक जगह जो अंतर है वो कितना का है, दो का है। जब प्रत्येक जगह अंतर दो है तो वही फॉर्मूला बनाएंगे ट्रिक जो है। ठीक है, उसको थोड़ा सा उल्टा भी देते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा इसी ट्रिक को देखते हैं, यहाँ पे ठीक है इसको देखते हैं, ट्रिक मेरा क्या था, नंबर ऑफ पॉइंट नंबर ऑफ टर्म एक दो तीन चार पाँच छः ऊपर हो जाएगा छः बटा में फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है वन थ्री, फर्स्ट फैक्टर क्या है थ्री, लास्ट फैक्टर कितना है पंद्रह, तीन दुना छः अर्थात दो बटा पंद्रह इसका सही आंसर होगा। तो दो बटा पंद्रह क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। तो हम लोग इसको इतने समय में भी बना सकते हैं, विदाउट बेसिक यूज किए हुए हम लोग इतने समय में इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन, वन बाई वन इंटू फोर प्लस वन बाई फोर इंटू सेवन प्लस वन बाई सेवन इंटू टेन प्लस वन बाई टेन इंटू थर्टीन प्लस वन बाई थर्टीन इंटू सिक्सटीन, ये बराबर है, ये भी सीजीएल 2007 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी देखते हैं, बस अंतर देख लेते हैं कितना का है, तीन का है, यहाँ भी अंतर कितना का है तीन का है, चार तीन सात, और यहाँ पर भी अंतर कितना का है तीन का, यहाँ भी अंतर कितना का है तीन का, और यहाँ भी अंतर कितना है तीन का, इसका मतलब कि अंतर क्या है सेम है। जब अंतर सेम हो तो हम लोग वही रूल अपनाएंगे, क्या नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच हो जाएगा बटा में फर्स्ट क्या है वन और लास्ट क्या है सिक्सटीन, बस हो जाएगा इसका पाँच बटा में सोलह, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाँच बटा में सोलह क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखें कि इन दोनों के बीच जो है फैक्टर जो भी, या तो फैक्टर किया हुआ देगा या तो फैक्टर करना होगा, तो जिन दोनों के बीच का जो गैपिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ज्यादातर सीरीज का क्वेश्चन जो होता है उसमें गैपिंग क्या होती है सेम ही होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है वन बाई थ्री प्लस वन बाई फिफ्टीन प्लस वन बाई थर्टी फाइव प्लस वन बाई सिक्सटी थ्री प्लस वन बाई नाइन्टी नाइन प्लस वन बाई वन फोर्टी थ्री और प्लस वन बाई वन नाइन्टी फाइव। हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा एक गुणे तीन, इसको भी फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, पहले फैक्टर कर लेते हैं इसको और देखते हैं कि फैक्टर के जो बीच का गैप है वो क्या है सेम है कि नहीं। इसको करेंगे तीन गुणे पाँच, और यहाँ पे करेंगे तो पाँच सात पैंतीस, ये हो जाएगा सात नौ तिरसठ, और ये हो जाएगा नौ से ग्यारह, और ग्यारह इंटू तेरह, और यहाँ पर हो जाएगा तेरह इंटू पंद्रह, सेम वही मेथड
टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो लिखेंगे सात बटा में टोटल फर्स्ट कितना है वन, लास्ट क्या है फिफ्टीन, अर्थात सेवन बाई फिफ्टीन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेवन बाई फिफ्टीन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे नेक्स्ट देखते हैं, हो गया होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन प्लस वन बाई टू, वन प्लस वन बाई थ्री और वन प्लस वन बाई फोर डॉट 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 वन प्लस वन बाई हंड्रेड। ठीक है अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए दो जब भी कभी एक प्लस एक बटा दो देता है तो डायरेक्ट लिखते हैं, दो एक हम दो और एक तीन बटा दो। याद रखिए जब भी वन प्लस वन बाई टू रखे तो उसको थ्री बाई टू लिख सकते हैं, अर्थात इसको ये भी लिख सकते हैं वन सही वन बाई टू, तो कभी भी प्लस को ऐसे लिख सकते हैं। अगर इस तरह है कभी प्लस की जरूरत पड़े तो हम लोग यहाँ पे ऐसे वन बाई वन से वन बाई टू को वन प्लस वन बाई टू भी लिख सकते हैं। ठीक है देखते हैं क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, दो एकम दो और एक तीन बटा दो, फिर यहाँ मल्टीप्लाई तीन एकम तीन और एक चार बटा तीन, फिर मल्टीप्लाई चार एकम चार और एक पांच बटा में चार डॉट 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 सौ एकम सौ और एक सौ एक बटा में सौ, ये क्या हो जाएगा, चार से चार कटेगा तीन से तीन कटेगा। ठीक है तीन से तीन कटेगा, चार से चार इस तरह पांच से पांच कटेगा, इस तरह से सीरीज यही कटते जाएगा और यहाँ पे सौ से इसके जस्ट अगला वाला टर्म जो है उससे कटेगा, अर्थात बच क्या जाएगा एक सौ एक बटा में दो, और एक सौ एक बटा में दो वही मेरा हो जाएगा दो पचे दस, दो पचे दस हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है और एक है पचास पॉइंट फाइव हो जाएगा। ठीक है अर्थात इसको हम ये भी लिख सकते हैं पचास सही एक बटा दो साढ़े पचास। ठीक है यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग इस तरह बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन माइनस वन बाई टू, वन माइनस वन बाई थ्री और वन माइनस वन बाई फोर डॉट डॉट वन माइनस वन बाई एन। ठीक है इसको भी देखेंगे तो क्या होगा, दो एकम दो और माइनस एक एक बटा दो गुणे हो जाएगा तीन एकम तीन और एक दो बटा तीन, फिर उसी तरह चार एकम चार और एक तीन बटा चार डॉट डॉट एन एकम एन और एन माइनस वन बाई एन हो जाएगा। ठीक है इसके लिए इस तरह से कट देते हैं, चार से भी कटेगा। ठीक है और ये नीचे वाला फिर इसके नीचे देखो, नीचे वाला से ऊपर वाला कट रहा है, नीचे वाला से ऊपर वाला कट रहा है, नीचे वाला से अगला का ऊपर वाला, उसी तरह पिछला के नीचे वाला से अगला का ऊपर वाला कट जाएगा, टोटली फाइनली क्या बच जाएगा वन बाई एन बच जाएगा। याद रखें जब ऐसे देखें इस तरह नीचे वाला से अगला का ऊपर वाला, इसके नीचे वाला से अगला का ऊपर वाला, इसके नीचे से अगला का ऊपर वाला ऐसे कटता जाए तो फिर क्या हो जाएगा, ये इससे पूरी तरह से कट जाएगा और बच क्या जाएगा वन बाई एन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री बाई फोर इंटू वन प्लस वन बाई थ्री इंटू वन प्लस टू बाई थ्री इंटू वन माइनस टू बाई फाइव इंटू वन प्लस सिक्स बाई सेवन वन माइनस वन माइनस ट्वेल्व बाई थर्टी वन माइनस ट्वेल्व बाई थर्टी वन प्लस वन बाई थ्री वन प्लस टू बाई थ्री वन माइनस टू बाई फाइव वन प्लस सिक्स बाई सेवन और वन माइनस ट्वेल्व बाई थर्टी। अब इसको देखते हैं, ठीक है ये क्वेश्चन जो है सीजीएल 2010 का है, ठीक है ये क्वेश्चन जो है वो सीजीएल 2010 का है। ठीक है देखते हैं ये क्या हो जाएगा, तीन बटा चार तो यहाँ पर उठेगा तो मल्टीप्लाई तीन एकम तीन और एक चार बटा तीन मल्टीप्लाई तीन एकम तीन अधू पाँच बटा तीन मल्टीप्लाई पाँच एकम पाँच में से दो जाएगा तीन बटा पाँच। ठीक है फिर मल्टीप्लाई छः एकम सात सात छः तेरह बटा सात हो जाएगा। ठीक है
सात एकम सात, अच्छा 13 बटा 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 एकम 13 और 13 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 1 1 बटा में 13, 13 से 13 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। फाइनल बच जाएगा 1/7, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग सीरीज का, इस तरह का सीरीज जो है उस क्वेश्चन को टाइप को देख लिए, इस तरह से लगभग ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज बेस्ड आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सीरीज बेस्ड का ऐड भी SSC CHSL में दिया गया था, देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 ऐसे क्वेश्चन, इसको करने का डायरेक्ट तरीका है, इसमें कितने हैं नंबर 4 है, इसमें कितने हैं 3 है, इसमें कितने हैं 2 है, उसमें कितने हैं 1 है। तो अगर यहाँ पे प्लस रहे, ठीक है, अगर प्लस रहे और ये क्या है डेसिमल में 9, अगर इस तरह से क्वेश्चन तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 चौके 16 का 6 कैरी 1 और फिर 3 चौके 12 और 13 का 3 कैरी 1 फिर 2 चौके 8 और 1 9 और 1 चौके 4, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे उसको जोड़ेंगे, फिर से देख लेते हैं। 4 चौके 16 का 6 कैरी 1 और 3 चौके 12 और 1 13 का 3 कैरी 1 और 2 चौके 8 और 1 9 और 1 चौके 4, और ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। लेकिन अगर इसी तरह रहे, और इस तरह से रहे, तो हम क्या करेंगे, अब शुरू से क्या करेंगे इसको करते जाएंगे, शुरू से करेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना 1 2 3 और 4, तो शुरू से इसका मल्टीप्लाई 1 चौके 4 2 चौके 8 3 चौके 12 का 2 कैरी 1 4 चौके 16 और 1 17, हाईस्ट कितना होगा 4 अंक के बाद है, तो 4 अंक के बाद क्या कर देंगे दे देंगे, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा आंसर, देखिए एकदम ये बेस्ट तरीका है, 4 से 9 का मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, जब इतना इसे जोड़कर भी देखेंगे तो वही बात होगी, देखिए 4 4 4 फिर 4 4 फिर क्या होगा केवल 4, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो देखिए वही है, 4 बार आ रहा है, इसको जोड़ने पर 3 बार जोड़ना है, फिर 2 बार जोड़ना है, इसी को हम लोग इस तरीका से भी जोड़ सकते हैं बिना लिखे हुए, ठीक है। ये LDC में 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, पर बेस्ट, ठीक है। और ये रेंज जो है इसी रेंज को इधर उधर भी दे सकते हैं, इस रेंज को क्या कर सकता है इधर उधर भी दे सकता है, जैसे जैसे कि मान लीजिए 3 + 3 3 3 + 3 3 3 3 + 3 3, ठीक है। तो उस तरह हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, बात नहीं करेंगे, जब प्लस वाला है तो 4 3 12 का 2 कैरी 1 फिर 3 3 9 और 1 10 का 0 फिर कैरी 1 2 3 6 और 1 7 और 3 1 3, ये मेरा फाइनली आंसर है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह आज जो है सीरीज बेस्ड क्वेश्चन खत्म, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे जाते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे जाते हैं, इसके लिए शॉर्ट अप्रोच हम लोग अगले दिन देंगे, ठीक है।